प्लेट भी आप ही लोग दिखा रहे थे कि नेम प्लेट भी लगा है, तो आवास खाली करा करके उसका मरम्मती करा दे। पक्ष में आ गए इसलिए सफाई कर्मी तक को हटा लो। लेकिन आप जो घृणित मानसिकता से ये खेल खेल रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आवास की व्यवस्था आप विकल्प उनको पहले से बना दें, आवास उनको दे दें, तब ने आवास खाली कराएं। आप आवास खाली कराने का कागज भेज देते हैं और आवास में जो पहले से रह रहा है वो खाली किए हुए नहीं है, तो कैसे शिफ्ट करेगा? अब हमारा ही तो आवास मिला है पोलो रोड में, अब वहाँ पर उनके लोग अभी तक रह रहे हैं, कल भी लोग देखने गए अभी रह रहे हैं, उसको अच्छा नेम प्लेट भी आप ही लोग दिखा रहे थे कि नेम प्लेट भी लगा है, तो आवास खाली करा करके उसका मरम्मती करा दें। हम तो अपना आवास जिस तरह से सुरक्षित और बेहतर, और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भवन विभाग के आवास है या विधानसभा पुल का आवास है, अब बताइए कि सफाई कर्मी तक के लोग हटा लेते हैं। अरे विधानसभा का आवास या भवन विभाग का आवास है तो उसकी सफाई और मेंटेनेंस तो विभाग करेगी, तो विपक्ष में आ गए इसलिए सफाई कर्मी तक को हटा लो, मालिक को हटा लो। ये क्या तमाशा, कैसी घृणित सोच है? हमारे ही आवास में 7-8 महीना पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, हमने कभी नहीं टोकने गया था, न उनकी सुविधा और फैसिलिटी में कभी कमी किया। लेकिन आप जो घृणित मानसिकता से ये खेल खेल रहे हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आवास सरकार की है, सरकार को मुबारक है, लेकिन पक्षों या प्रतिपक्ष जिसका जो अधिकार है, ईमानदारी के साथ लोकतंत्र के शपथ और संकल्प लेने वाले पालन करें। करनी कथनी एक। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।